नमस्ते, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे आसन के बारे में जो कि आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। जिन व्यक्तियों को नहीं पता कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, यह एक पुरुष का हार्मोन होता है। आपके शरीर में जो मसल्स होती हैं, यानी कि आपके शरीर में जो सुडौलपन होता है, वह इसी टेस्टोस्टेरोन पर ही निर्धारित होता है। जो आपकी दाढ़ी नीचे होती है, यानी कि दोस्तों अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है तो आपकी दाढ़ी मूछें अच्छी उगती हैं, आपकी आवाज भारी होती है, आपका शरीर सुडौल बनता है, आपके शरीर में पुरुष तत्व की वृद्धि होती है यानी कि वीर, आपकी संभोग शक्ति भी इसी टेस्टोस्टेरोन पर ही निर्धारित होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे आसन जो कि आप घर पर भी कर सकते हैं। अगर व्यक्ति अपने पैर पर यानी कि अपने पैर की कसरत करना शुरू कर दे तो कुछ ही समय में उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा। तो इसी पैर की कसरत करने के लिए आपको सबसे पहले आपको खड्डक बैठक लगानी है, लेकिन एक विशेष तरह से। जैसे कि खड्डक बैठक लगाने के लिए आप नीचे आते हैं तो आपको पूरी तरह से नीचे नहीं आना, आपको एक चेयर के जैसे यानी कि एक कुर्सी के जैसे बैठ जाना है। यह जैसे कुर्सी होती है आपको उसी तरह से ही रह जाना है। जितनी आपकी क्षमता हो आपको उतनी देर तक अपने पैर को होल्ड कर रखना है, यानी कि जैसे के तैसे बने रहें। फिर कुछ समय बाद यानी कि अपनी क्षमता के अनुसार आप सीधे खड़े हो जाएं। तो ये चीज़ आपको प्रतिदिन 10 से 15 बार करनी है और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाते जाएं। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं दूसरे आसन के बारे में, जिसमें आपको सीधे लेट जाना है और आपको अपने पैर को ऊपर उठाना है। आपकी कमर का ऊपर वाला हिस्सा तो जैसा का तैसा रहेगा, लेकिन जो आपके पैर हैं वह हल्के से उठे रहेंगे। पूरे 90 डिग्री तो नहीं, लेकिन कुछ डिग्री, 45 डिग्री आपको ऊपर उठाना है। दोस्तों इसी चीज को कहते हैं उत्तान आसन। अगर व्यक्ति नियमित रूप से उत्तान आसन का अभ्यास करेगा तो तेजी से उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। कितनी देर तक इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं? आप कर सकते हैं 10 मिनट। ये शुरुआत में हो सकता है कि 5 मिनट कर पाए। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तीसरे आसन के बारे में जो है कि विपरीत करणी। दोस्तों यह जो आसन है यह आपको दिखने में सर्वांग आसन जैसे लगेगा, लेकिन हम इसको कह सकते हैं सर्वांग आसन का अधूरा आसन, यानी कि दोस्तों यह पूरी तरह से सर्वांग आसन नहीं है। सर्वांग आसन में क्या होता है कि हमारा शरीर कंधों के बल पर होता है विशेष करके, लेकिन इस आसन में क्या होता है कि हमारे शरीर का पूरा भार हमारे हाथ संभालते हैं। तो नियमित रूप से आपको दिन में 5 मिनट विशेष करके खाली पेट या खाना खाने के 4 से 5 घंटे बाद आपको इस आसन का अभ्यास करना है। इन तीनों आसन का अभ्यास करने से क्या होता है कि आपका तेजी से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।